Very good morning, Doctor. So let's once again welcome you Fit for Life program brought to you by MedPCO Care and Acumentis. And this is our second yoga session, and we are going to learn from Yoga Guru Dheeraj-ji about the hip opening and the various exercises. If there is any query, any questions, if you are feeling, please feel free to put it up into the chat box. We have looked three omkars here. अपने सत्र की प्रारंभ करेंगे. लंबी गहरी ब्रीथ, आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट ओपन करने के लिए शोल्डर पीछे करें. थ्री ओंकार टुगेदर. ओ पहले कैट एंड काउ करेंगे, जो हमने पिछले सेशन में भी किया था. दोनों हथेली के बीच शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट, दोनों घुटनों के बीच हिप डिस्टेंस. पोज को बाहर रखें. आप चेक करें रिस्ट से शोल्डर एक लाइन हो. जब सांस लेंगे तो इनहेल लोअर बैक को ड्रॉप करेंगे, अपने हेड को ऊपर. एक्सहेल में सांस छोड़ते हुए शोल्डर ऊपर. ठीक है, सांस लें, छोड़े, सांस लें, छोड़े, श्वास 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 लें. या ठहरे ये थ्री ब्रीद. वन टू थ्री. सांस छोड़ते हुए शोल्डर ब्लेड ऊपर. यहां भी ठहरे थ्री ब्रीद. वन टू थ्री. ओके, यहां सभी बाया पांव पीछे उठाएं. लेफ्ट लेग. आप देखेंगे आपका हील हिप्स लाइन से हो, वो जितना पॉइंटेड आप कर सके. और राइट हैंड दाया हाथ. अब हथेली बाहर की ओर इंगेज, टोज पीछे की ओर. वन, अपनी सांसों को सामान्य रखें, ले रहे छोड़ रहे. टू,
थ्री फोर फाइव। अब दाया पांव उठाएं, राइट लेग, और बाएं हाथ उसी प्रकार दृष्टि सामने करते हुए इंगेज, वन टू थ्री फोर फाइव। यहां से इस तरह हम लोग नी पर खड़े ही हैं, पपी पोज करेंगे, उत्तान शीर्षासन, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अपने फोरहेड को मैट पर रख दें, पेट अंदर करें, हिप्स को पीछे इंगेज करें, अपने छाती को ग्राउंडेड फील करेंगे। यहां स्टे करें, वन टू थ्री फोर फाइव। पीछे बैठेंगे रेबिट पोज शशांक आसन में, इस तरह हिप पर बैठ गए, नी को वी शेप में ओपन करें, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्पाइन लंबा करें। आप फील करें चेस्ट नीचे होता हुआ, ही पीछे इंगेज, आपकी हथेली बाहर की ओर, वन टू थ्री फोर फाइव। अब नोटिस करें कि जहां पर हथेली है वहीं रहने दें, टोच को नी को अंदर करें, घुटने को बेचन को, हथेली वहीं रहने दें जैसे है। यहां से डॉग पोज में आइए, इनहेल अधोमुख श्वान, शोल्डर पीछे। जिनको बैक का बहुत इशू है थोड़ा सा नी को ढीला छोड़ें, स्टे करें। आप जितना अपने पेट को अंदर यानी उद्यान बंद लगाएंगे, आपकी शोल्डर स्पाइन में ओपनिंग बढ़ेगी। स्टे, वन टू थ्री फोर फाइव। अभी हिप्स ओपनिंग के लिए जैसा हमने पिछले सेशन में भी किया था, एक रिपीट करेंगे, एक नया करेंगे। राइट को इस तरह बैंड करें कि राइट का नी आपके राइट के हथेली के पास जाए, राइट, और अपना आपका राइट हिप्स ग्राउंडेड होता जाए। उसके लिए पीछे वाले पाव को पीछे पुश करते चलें और स्पाइन को लंबा करें। आप नोटिस करें राइट हिप्स नीचे बढ़ रहा है और लेफ्ट थाई सपोर्ट करने के लिए ग्राउंडेड है। सामान्य ब्रीदिंग, आती जाती सांसों को देखें, वन। जब आसन में पहुंच जाए आप सांसों पर ही गौर करें, टू थ्री फोर फाइव। यहां से सपोर्टेड जितना सिर्फ फिंगर लगाएं फ्लोर पर, अब बैक बेंडिंग करें। तो ख्याल रखें राइट हिप्स ग्राउंडेड रहे, लेफ्ट थाई को ट्विस्ट करते हुए ग्राउंडेड, चेस्ट ब्रीदिंग, वन टू थ्री फोर फाइव। वापस अधोमुख श्वान डाउन। अब राइट की तरह लेफ्ट में रिपीट करेंगे, इस बार लेफ्ट हिप्स नीचे करते हुए राइट को जितना पीछे करें, लेफ्ट हिप्स ग्राउंडेड एंड राइट थाई। स्पाइन लंबा, आप ब्रीदिंग करते रहें, वन टू थ्री
4, 5 यहां से सपोर्टेड बैक बेंडिंग, वन टू थ्री फोर फाइव वापस एक लिजार्ड पोज करेंगे। मैं आपको बाया दिखाता हूं तो कि आपको दिखे अच्छे से। लेफ्ट लेग को मैंने आगे लिया इस तरह, राइट ने नीचे कर दिया, लेफ्ट को कोशिश करेंगे 90 डिग्री, इस तरह आगे बढ़ते हुए फोर आर्म्स को लगाएंगे। इनका नहीं लगेगा, नीचे कुछ ब्लॉक ले लेंगे। अब पीछे टोच को टच करते हुए अप कर, अब देखेंगे एल्बो के पास 90 डिग्री बने, हील पीछे पुश हो, चिन्ह को आगे एंगेज करें, स्टे करें, यहां ठहरे, सामान्य ब्रीदिंग करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5 लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, बाकी चीजें वैसे रहने दें, ट्विस्ट कराएं। 1, 2, 3, 4, 5 वापस डॉग। हर बार डॉग में शोल्डर पीछे, हिप्स ऊपर, पांव इंगेज। इस बार राइट दाया पांव, नी को पहले नीचे रखें और आर्म्स को जमीन पर लगाएं। देखें रिस्ट टू एल्बो एक लाइन में रहे, इनहेल अप पीछे से, हील को पीछे पुश करें, चिन्ह को आगे। 1, 2, 3, 4, 5 राइट हैंड, 1, 2, 3, 4, 5 वापस डॉग। चले पीछे हाथों के सहारे, यहां झुके रहे उत्तानासन में। बैक का जिनको इशू है थोड़ा नी को इस तरह बैंड कर देंगे, नहीं है नी कैप इंगेज करें, अपना वेट फील करें, आपके हील पर टोज को लाइट छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5 खड़े हो जाएंगे। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने सूर्य नमस्कार हठ योग किया था, उसको रिपीट करेंगे आज 3 सेट। अब फिर सूर्य नमस्कार अष्टांग विन्यास ए को इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि आप 4 सेशन में 3 सूर्य नमस्कार एटलीस्ट सीख लें। तो बताया था पिछले बार भी मैं कि सूर्य नमस्कार में या किसी पोजिशन में अपने ब्रीदिंग का ज्यादा ख्याल रखना है, कि आपकी ब्रीदिंग कैसी है। ब्रीदिंग पर प्रॉपर ख्याल नहीं है तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ओके, समझ सकती। दोनों टोज हील आपस में मिलाएं, अपने शोल्डर को पीछे करें, चेस्ट को ओपन फील करें, लंबी गहरी ब्रीद। 1, नमस्ते, एक सांस छोड़ें। मैं ब्रीद बोलूंगा, हर पोज का क्या स्थिति होगी हर पोज में, आप थोड़ा ख्याल करें उसको। 2, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, 3, फोड़ते हुए बैक बैंडिंग करें फॉरवर्ड, 4, सांस लेते हुए राइट पाव पीछे, नी को ड्रॉप करें, आगे का पाव 90 डिग्री, ये सब ख्याल। पीछे थाई पेल्विक में थोड़ा स्ट्रेच, इस तरह से फिंगर लगाए जिनको हथेली नहीं लगता है, लगे हथेली तो ठीक है, आगे ऊपर खींचे। 5, दंडासन यानी प्लैंक, कोई ब्रीदिंग नहीं, ब्रीद होल्ड, इसी पोजीशन में हम होल्ड करते हैं। 6, नी लगाए दोनों हथेली के बीच, चेस्ट और चिन्ह।
या फोरहेड। सेवन इनहेल, सांस लेते हुए एल्बो इनसाइड, हाथों का सपोर्ट नहीं लें, फिर बैक से उठें, इस तरह ना उठते हुए बटक लॉक रखेंगे, शोल्डर लॉक रखेंगे बस, तो आपका बैक स्ट्रेंथ होगा। एट, सांस छोड़ते हुए डॉग। नाइन, सांस लेते हुए राइट लेग आगे, जो पहले आया वही पहले वापस लौटेगा। टेन, एक्सेल मैच, सांस छोड़ें। इलेवन, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, थोड़ा पीछे जाएंगे। थ्री, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे, कंटिन्यू करते हैं यार, एक एक सेट। फोर, सांस लेते हुए लेफ्ट लेग, जितना आप पीछे ले जा सकते हैं बस राइट, जो पैर आगे रहेगा वो 90। फाइव, प्लैंक, ब्रीथ को रखें होल्ड। सिक्स, सांस छोड़ते हुए नी, चेस्ट चिन। सेवन, सांस लेते हुए भुजंगासन। एट, छोड़ते हुए सांस डॉग। नाइन, लेफ्ट लेग इन, सांस लेते हुए। टेन, सांस छोड़ते हुए दोनों पांव मिलाएं। इलेवन, इनहेल। नमस्ते। तो ये एक सेट हुआ, राइट लेफ्ट मैंने पूरा किया। एक बार राइट लेग है तो राइट लाए, लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट को वापस लाए। तो अभी हम इस तरह से दो सेट और करेंगे। मैच, ब्रीदिंग का ख्याल रखें, तब आप लंबा नमस्कार करते हैं, आपकी ब्रीदिंग इनहेंस होगी, अच्छी होगी, आप में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ब्रीदिंग गड़बड़ रहेगी फिर कुछ नहीं। लंबी गहरी ब्रीद, सांस छोड़ दें, नमस्ते। सांस ले हाथ ऊपर, श्वास छोड़े आगे बैंड करें। सांस लें राइट पीछे, दंडासन, प्लैंक, ब्रीद को होल्ड रखें, दो ब्रीदिंग। सांस छोड़ते हुए नी, चेस्ट चिन। सांस लें इन्हें भुजंगासन। सांस छोड़े डॉग। सांस लें राइट आगे। सांस छोड़े पांव को मैच। सांस लें हाथ ऊपर, श्वास छोड़े आगे बढ़ते हुए नीचे। श्वास लें लेफ्ट लेग, प्लैंक में नो ब्रीदिंग होल्ड, यानी श्वास छोड़े एक्सेल। श्वास ले इनहेल भुजंगासन में, श्वास छोड़ते हुए डॉग। बाया पाव आगे, श्वास लेते हुए, सांस छोड़ते हुए दोनों पाव मैच। फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नमस्ते। दो सेट हुआ, जिनको भी कहीं भी लगे वो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो रही है तो स्किप करें, वो जो सिंपल है, आराम है इसमें, आप ब्रीदिंग के साथ करते रहिए, लंबा करेंगे। वन लास्ट सेट, सांस ले नमस्ते, छोड़ते हुए नमस्ते। श्वास ले हाथ ऊपर, श्वास छोड़े आगे बढ़ते हुए। श्वास ले राइट पांव पीछे, प्लैंक, श्वास को रोके रखें। श्वास छोड़े घुटना, छाती, मस्तक या चिन। श्वास ले भुजंगासन। श्वास छोड़े डॉग। श्वास ले राइट पैर आगे।
श्वास छोड़ें मैच, श्वास लें हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें आगे बैंड, श्वास लें लेफ्ट लेग, दंडासन, श्वास को रोके रखें, घुटना छाती मस्तक, श्वास छोड़ें, भुजंग आसन, श्वास लें, एक श्वास छोड़े डॉग, नाइन बायां पांव आगे श्वास लेते हुए, टेन श्वास छोड़े, श्वास ले हाथ ऊपर छोड़े, नमस्ते। ओके, एक राउंड सूर्य नमस्कार ये करेंगे, आ जाए साथ में, इसमें साइड से लेंगे, आप मेरे साथ कीजिए, श्वास लेते हुए साइड से हाथ ऊपर, दोनों थंब को मिलाए ऊपर देखें, छाती ऊपर की ओर, श्वास छोड़े साइड से ही चिन्ह को आगे करते हुए नीचे जाए, श्वास भरे सामने देखें, इस तरह भी कर सकते हैं, श्वास छोड़े पुशअप लगाए, श्वास ले अपवर्ड डॉग, पूरी बॉडी ऊपर, सिर्फ टोज और हथेली जमीन पर, श्वास छोड़े डॉग। अब यहां पर ठहरे आप, मैं पांच की गिनती करूंगा, आप सामान्य ब्रीदिंग करते रहे, वन टू थ्री फोर फाइव, श्वास लेते हुए दोनों पांव आगे, वन बाय वन इस तरह आगे खींचे, स्पाइन को हिप्स को पीछे करें, श्वास छोड़े नीचे, श्वास ले दोनों हाथ आगे साइड से छोड़ते हुए समझ सकते, ठीक है। सूर्य नमस्कार इतना ही, थोड़ी स्टैंडिंग आसन करेंगे, एक दो चीजों का ख्याल रहे, अलाइनमेंट गलती ना हो, नहीं तो आप थोड़ी देर बाद मेरे को देख के करें, एक एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान सुने, गलती नहीं होगी। दोनों पाँव में गैप करें, करीब 3 फीट के करीब, राइट फुट को टर्न करें राइट साइड, और चेक करें कि दोनों हील लगभग एक लाइन में हो, इसलिए जो मैट पर है वो मैट के पीछे चले जाए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। हैंड को शोल्डर लाइन में ओपन करें, दाएं हाथ की ओर देखें, सांस भरें, इनहेल थोड़ा आगे जाएं, बिना चेस्ट को कोलैप्स किए, ये इस तरह नहीं, चेस्ट ओपन हो बस। अब राइट दाएं हाथ को जितना नीचे फील करें, बाएं हाथ को छत की ओर, आसमान की ओर, ऊपर देख सकते हैं, जिनको दिक्कत है सामने देखें, अपनी सांसें सामान्य, वन दोनों पांव एंगेज, टू थ्री फोर फाइव, यहां से हैंड को ड्रॉप, एकदम आपका शोल्डर आपकी फिंगर एक लाइन में ऊपर देखते जाएंगे, धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे बॉडी को, वन पांव एंगेज, टू थ्री फोर फाइव, वापस जब मैं काउंट करूं आप सिर्फ ब्रीदिंग कीजिए, सामान्य चेंज। इस बार लेफ्ट फुट टर्न करें, राइट को सीधा कर दें, हैंड ओपन, दृष्टि रखें बाएं हाथ की ओर फिंगर पर, ब्रीथ करें, सांस लें, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे पड़े, चेस्ट ओपन हो, ध्यान ब्रीथ, वन टू थ्री फोर फाइव, धीरे धीरे ओपन, जितना स्ट्रेच कर रहे हैं छत की ओर टर्न, वन टू थ्री फोर
फाइव ओके। अब फिर से राइट फुट टर्न करें, इस बार पाव को गैप बढ़ा दें। यह है वीरभद्रासन टू, हैंड ओपन करें, सिर्फ राइट नी को बैंड करें, आपकी टोर्सो स्पाइन सीधी रहे, बस आगे नहीं बढ़ना है ख्याल। अब राइट नी को राइट साइड पुश रखें, लेफ्ट हाई को लेफ्ट की ओर टर्न करें, ट्विस्ट स्टे करें, वन टू थ्री फोर फाइव। राइट एल्बो को राइट नी के ऊपर, इस तरह हाथ का कॉर्नर, दृष्टि छत की ओर, पीछे का फुट ग्राउंडेड, वन टू थ्री फोर फाइव ओके। इसी को लेफ्ट साइड रिपीट करेंगे, लेफ्ट फुट टर्न करें, राइट फुट को ग्राउंडेड, हैंड ओपन, बस सांस छोड़ते हुए घुटना बैंड कर दें 90 डिग्री, बस स्टे, देखें राइट लेफ्ट साइड, वन टू थ्री फोर फाइव। यहां से वन, अब जितना फिंगर को ऊपर खींचे, शोल्डर में स्ट्रेस कराएं, अब राइट फुट को ग्राउंडेड जितना पुश करें, टू थ्री फोर फाइव, वापस दोनों पाव मिला सकते हैं, फिर थोड़ा सा ओपन करें, कमर पर हाथ, सांस भरे इन है, छोड़े आगे बढ़ते हुए बैंड कर दें। जिनको बैक का इशू है वही नी को लूज छोड़ेंगे, अदरवाइज नी के अब इंगेज है ड्रॉप, सिर्फ फिंगर टच करें फ्लोर पर, हथेली नहीं, स्पाइन को लंबा छोड़ेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। हथेली से एल्बो को कैच करें इस तरह, और नीचे एल्बो को स्ट्रेच कराएं ग्राउंडेड, वन तो हिप्स में काफ में स्ट्रेच होगा, आर्म स्ट्रिंग में, टू थ्री फोर फाइव। कमर पर हाथ, इनहेल सांस लेते हुए ऊपर, हाथ को पीछे फिंगर लॉक करें, चेस्ट ओपन, सांस लें इन लंबी, छोड़ते हुए बैंड करें, शोल्डर को खोलें, पीछे देखें, घुटना दोनों इंगेज, फुट बाहर की ओर ग्राउंडेड, वन टू थ्री फोर फाइव, वापस से पाँव मिला दें, एक साइड स्ट्रेच करेंगे, ये था हमें भी किए साइड पादोत्तान, अब हम पार्श्वोत्तान यानी साइड स्ट्रेच, राइट को आगे इस तरह रख दें जैसे मैंने रखा, लेफ्ट को पीछे, कोशिश होगी पीछे का फुट आप देख रहे होंगे 45 है, आगे का टोटल 90 डिग्री, जब हम उठा के लाएं तो हील आपस में मैच कर जाए, यही लाइन है इसका। अब जो पांव आगे है जब हम झुकेंगे आगे तो वेट फील करेंगे हील पर, टोज को लाइट छोड़ेंगे, आपका ये पोज सही हो जाएगा तो आपकी आने वाले जो हम आगे अभी स्टैंडिंग आसन करने वाले हैं, स्टैंडिंग बैलेंसिंग, वो सही होगा। यही प्लेसमेंट हर जगह स्टैंडिंग आसन में होती है कि आपके फुट आप कैसे रखते हैं, तो ठीक है टोज को लाइट छोड़ दें, सिर्फ फ्लोर पर रहेगा वो, अपना वेट हील पर, सांस लें हाथ ऊपर करें, छोड़े पर लंबा करें पहले स्पाइन को, एल बनाए बॉडी को, अब ड्रॉप करें, अब आप फील करें हील पर वेट आगे के, अब पीछे का फुट टोटल बाहर की ओर ग्राउंडेड,
फिंगर लगा सकते हैं। वन, आप सामान्य ब्रीदिंग करते रहें। टू, थ्री, फोर, फाइव, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर छोड़े, चेंज कर दें। अब पीछे वाला सेम वही 45, आगे 90 डिग्री। तो आप नोटिस किया करें और भी थाई दोनों सामने रहे, ये नहीं, थाई सामने रहे, बेली, चेस्ट, शोल्डर सब सामने। हाँ, श्वास ले हाथ ऊपर छोड़े, ड्रॉप। आप जितना पेट अंदर करेंगे, जो पांव आगे है उसका हिप पीछे फील करें, पांव में स्ट्रेच मोर होगा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। ठीक है, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी स्टैंडिंग बैलेंसिंग का, बैलेंसिंग जहां हमारा प्लेसमेंट वह हमारे ब्रीदिंग पर निर्भर करता है। तो क्या है, अभी एक बार देखें, राइट को इस तरह उठाया मैंने, अपना नी शोल्डर लाइन के साथ आए, पहली बार। दूसरी, एक दृष्टि कहीं फिक्स करें, आ जाएंगे कहीं भी आप एक जगह देखें, नमस्ते कर दें और फील करें कि आप अपनी ब्रीदिंग को शांत रिलैक्स कर रहे हैं। वन, टू, टोच को लाइट छोड़ते चलें, स्पाइन को ऊपर करें, पेट अंदर, थोड़ा बटक को लॉक। थ्री, फोर, फाइव, हाथ ऊपर करें, सेम वही होगा आपका, दृष्टि जैसा है वैसा ही। वन, टू, थ्री, चेस्ट ओपन भी हो रहा है धीरे धीरे। फोर, फाइव, तीसरे वेरिएशन में बस अब पीछे की ओर हाथेंगे ताकि हमारी छाती ज्यादा ओपन हो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, चेंज कर दे पांव को। तो आप टोच को लाइट रखेंगे, पांव में स्ट्रेच भी होगा, पांव में स्ट्रेंथ भी होगा और बैलेंस भी लगेगा। टोच को वेट डालेंगे, सबसे पहले नी आपका कोलैप्स होगा, लूज पड़ जाएगा नी। तो टोच पर, हील पर वेट डालते हुए स्पाइन इंगेज, दृष्टि फिक्स। वन, टू, थ्री, एकदम सामान्य ब्रीदिंग करें। फोर, फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, धीरे धीरे हर पोजीशन को चेंज करें, ऑब्जर्व फुल्ली। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, अभी हमने एक पार्श्वोत्थान आसन किया, इसकी ठीक इसी तरह एक आसन है वीरभद्रासन थर्ड, वो स्टैंडिंग बैलेंसिंग। राइट लेग इस तरह आगे रखें, लेफ्ट को पीछे, जान के कॉर्नर आया ताकि आपको दिखे, कमर पर हाथ रखें और दृष्टि जमीन में फिक्स करें। जितनी आपकी टोर्सो है आप जोड़ लें कि हम जितने कमर सीधा रखेंगे, मेरा यहाँ है, वही दृष्टि को फिक्स रखें। श्वास लेते हुए पीछे के पैर के टोच पर आए, छोड़ते हुए धीरे धीरे, जैसे सांस छूटेगा नीचे बढ़ते जाएंगे, पांव पीछे उठता जाएगा। नमस्ते कर सकते हैं ठीक, अदरवाइज यहीं रहें। टोच को लाइट छोड़ेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, संभव हो तो हाथ खोलें। फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, चेंज कर दें पांव को, कमर पर हाथ, दृष्टि सामने, सांस ले, इनहेल पीछे के पांव के टोच पर,
एकदम धीरे छोड़े। वन टू दृष्टि चेंज होगी, बैलेंस गड़बड़ होगा। थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। तो बैलेंस आपकी ब्रीदिंग पर है, ब्रीथ स्टेबल होगा तो आगे जाके और भी बैलेंस होंगे। या कोई भी हम हैंड बैलेंस भी करते हैं, सब वो ब्रीथ का है, वो कोई हाथों में ताकत से नहीं है। तो आप इस चीज को बेटर कर सकते हैं सूर्य नमस्कार और स्टैंडिंग आसन में। बैलेंस सारा ब्रीदिंग पर है, कोई भी बैलेंसिंग हो। तो हम देखते हैं कोई व्यक्ति गिर पड़ता है ना ड्रिंक करने के बाद स्पेशली, तो थोड़ी उसकी पाँव में ताकत घट गई या बैलेंस खत्म हो गया, उसका सेंस खत्म हो जाता है। तो मतलब अवेयरनेस वो चूक जाता है। फिर वो सुबह जब फ्रेश होता है चलने लगता है अच्छी तरह से, फिर वो गिरता नहीं है, अपनी दीवार पर भी चल देगा वही बंदा। तो मतलब ये क्या है, बैलेंस के आसन हमारे सेंस को डेवलप करते हैं। एक एज में जा करके जब नर्वस सिस्टम वर्क कम करता है तो हमारा सेंस गड़बड़ होता है, लेकिन हम बैलेंसिंग करते रहते हैं तो हम पूरे लॉन्ग समय तक भी अपनी बैलेंस को समझ पाते हैं और उसके साथ जस्टिफाई करते हैं और हम स्टेबल रहते हैं कहीं भी। दूसरी बात, ये बैलेंसिंग आसन हमको और दृष्टिकोण से बैलेंस देता है आपके लाइफ में भी, कि कोई चुनौती आता है जीवन में तो हम कैसे बैलेंस करें। जिसको भगवान कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते, कि तुम बैलेंस करो हर जगह, हर स्थिति, हर परिस्थिति में संतुलन साधो, जैसी स्थिति वैसे उसके अनुसार अपने आप को बनाने के लिए। इसीलिए योग में बैलेंसिंग आसन है। तो जहां इसके शारीरिक महत्व है, वहीं इसके मानसिक, फिर इसके आध्यात्मिक लेवल पर आगे महत्व है। तो ठीक है, एक हम स्पाइन ओपनिंग और करेंगे। उस दिन हमने किया था इस तरह हथेली को पूरा दीवार में लगाए, और आप चेक करते चले कि आपका रिस्ट से शोल्डर है, हथेली पर वेट मत डालें, सिर्फ टच कर दें दीवार को, पेट को अंदर रखें, टोज को छोड़ें लाइट, वेट फील करें हील पर। तो देखिए पॉम स्ट्रेच होगा, लंबर स्पाइन में स्ट्रेच, और हेड को ड्रॉप कर दें और सीधा जमीन की ओर देखें, फ्लोर की ओर, पेट अंदर करके हील पीछे। वन, सबसे पहले टोज छोड़िए लाइट, ऑटोमेटिक पॉम इंगेज हो जाएगा। टू थ्री फोर फाइव, जिनको बैक का इश्यू है सबसे बेस्ट है ये, आसान भी है, ऑफिस में भी कर सकते हैं। एट नाइन टेन, वापस एक शोल्डर ओपनिंग करते हैं और, जो कि हम ज्यादा बैठते हैं सिस्टम पर। देखिए दोनों पाँव में गैप है, हथेली को इस तरह मैंने दीवार में लगा दिया, फिंगर सारी खुली हो, और चेक करें रिस्ट से शोल्डर एक लाइन में। ये सब प्रिपरेशन पोज है, आगे पोज में काम आते हैं। हथेली दूसरी बगल में या कमर पर, जहां भी कंफर्ट लगे आपको, श्वास लें, बिना फुट को उठाए सिर्फ सर्कल में टर्न करते चले, और हथेली को दीवार में पुश रखें तो पूरे हाथों में स्ट्रेच होगा। वन टू थ्री फोर फाइव, ओके। अब चेंज करें इसी को बाएं हाथ पर, हथेली दीवार में, दूसरा हाथ बगल में, सांस लें छोड़ें। अब देखेंगे आपकी हथेली से लेकर पूरे हैंड में स्ट्रेच है। वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। एक हम लोग शोल्डर ओपनिंग करते हैं, आप लोग के पास टेबल होगा, सभी के पास, तो टेबल पर कर सकते हैं। ये मिले स्पीकर, ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि हम सब बैठ के वर्क करते हैं, आप लोग को दिख रहा है ना, समझिए। एक छोटा सा टूल है, आप एक कुर्सी भी ले सकते हैं इसके जगह,
घुटने पर खड़े रखें इस तरह पांव, अपना एल्बो सिर्फ इसके ऊपर रख दें, वेट देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे चेक करें आपका नी से ही से एक लाइन और हेड को ड्रॉप कर दें, बस शोल्डर को पुश करें, चिन को चेस्ट को ग्राउंडेड, हिप्स को पीछे रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वापस आ जाएंगे। आप इसको चेयर पर करें, आपका जैसे मैं नी से हिप्स खड़ा है इसके लंबाई पर कुछ हो टेबल चेयर तो ज्यादा वो बेटर आपके स्पाइन के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, वापस डॉग में आएंगे, एक दो बैक बेंडिंग भी करेंगे हम लोग। यहां ठहरे, 5 ब्रीद, हिप्स को ऊपर करें, शोल्डर पीछे, 1, 2, 3, 4, 5 नीचे लेट जाए चेस्ट के बल, इसको बोलते हैं मकर आसन। 2 बैक बेंडिंग करेंगे, हथेली को अंदर ले जाए सलभ आसन के लिए, अब मुट्ठी बंद कर दें, सांस लेते हुए दोनों पांव पर उठेगा तो किस किस पॉइंट पर ख्याल रखना है, बटक मेरा लॉक होगा, चिन ग्राउंडेड होगा, टोज ऊपर की ओर इंगेज। नाउ इनहेल अप, 1, 2, 3, 4, 5 बगल में हैंड पोज बाहर। अभी आगे भी उठाएंगे, पांव भी उठाएंगे, इनहेल 1, 2, 3, 4, 5 हाथ खोलें, 1, 2, 3, 4, 5 रेस्ट पोज में अपने ब्रीदिंग को देखें, यहां भी हाथों के सपोर्ट से उठेंगे, चिन्ह के नीचे दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर रखें, सांस लेते हुए ऊपर, हैंड पूरा इंगेज, दृष्टि ऊपर, बटक को लॉक, एक्सेल, वही बैक बेंडिंग होगा, बटक लॉक होगा, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। लोअर बैक पेन में ये काफी बेनिफिशियल है, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वन मोर और 5 ब्रीथ हम लोग वहां ठहरेंगे, इनहेल, स्टे ब्रीदिंग, 1, 2, 3, 4, 5 पीछे हाथ रखें लॉक इस तरह, फिंगर लॉक, श्वास लेते हुए ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5 वापस से डॉग पोज में। डॉग से हमेशा चेंज करेंगे सीक्वेंस को, हरे 5 ब्रीथ, 1, 2, 3, 4, 5 शशांक आसन में फिर से जो हमने स्टार्ट किया, हिप्स को रखें हील पर, आगे नी को वाइड करते हुए लंबा करें स्पाइन,
जब भी बैक बेंडिंग करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग उसके बाद तुरंत करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, अभी क्रॉस लेग बैठ जाए, एक ही ओपनिंग और देखिए, हील टू नी पो जो हमने पिछले सेशन में भी किया था, एक हील को उठा के नी के ऊपर रखें, एक हील को नी के नीचे, तो यहां पर लगभग एल बन जाए इस तरह। यहां से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, जब बैंड करेंगे देखेंगे हिप्स आपका उठे नहीं, श्वास छोड़े, पहले फिंगर लगाएं, फिर एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए फोर आर्म्स को नीचे रखें, पेट अंदर खींचेंगे, 10 ब्रीथ करें, कुछ ना करें सिर्फ ब्रीदिंग करें। वन, जितना होता है उतना करें। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके, चेंज कर दें, सांस छोड़ें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके, इस तरह पीछे लेट जाएंगे, ठीक है राहुल जी, लेटने हाँ, और अपनी हथेली को ग्राउंडेड करते हुए हिप्स के नीचे लगाएं, दोनों पाओ को स्ट्रेट करें, टोज को आपस में मिला दें, श्वास लेते हुए दोनों पाओ थोड़ा सा एक ब्लॉक की हाइट उठाएं, टोज को पॉइंटेड करें, आंखें बंद रखकर अपनी नाभि पर ध्यान लगाएं। वन ब्रीदिंग देखें, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। पांव को बैंड कर दें, आपका हील आपसे फिंगर से सिर्फ टच हो, दोनों फुट में हिप डिस्टेंस की दूरी हो, श्वास भरें, कमर को ऊपर उठाएं, बटक को लॉक करें, शोल्डर लॉक करने के लिए फिंगर को लॉक कर दें, यहां ठहरे। वन टू थ्री, बटक लॉक करते हुए शोल्डर लॉक करते हुए चेस्ट को चेहरे की ओर, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। हथेली से हिप्स को सपोर्ट दें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। राइट को बैंड करें इस तरह, लेफ्ट के ऊपर सुचिंद्र आसन है, जो पाव है उसके अपोजिट हेड को अंदर से कैच करें, डी के ऊपर आप यहां भी पकड़ सकते हैं जिनको दिक्कत है, श्वास छोड़ते हुए अपनी और पुश करें, आपका हिप्स ओपन होगा। वन टू थ्री फोर फाइव चेंज। जब भी सेतु बंद करेंगे जरूर हिप्स ओपनिंग करेंगे, एक्सटेंड। वन टू थ्री फोर फाइव, अवन मुक्त आसन, अपान आसन,
नी टोज को मिलाते हुए टेस्ट की ओर उस श्वास लंबी छोड़नी होगी। अरे भाई ब्रीथ, 1, 2, 3, 4, 5 आगे पीछे रोल करेंगे। तो अनुलोम विलोम करेंगे, मैं ब्रीदिंग का सीक्वेंस बोलते हैं। पहली बात स्पाइन सीधी रखते हैं, बाएं हाथ में इस तरह ध्यान कम करते हैं, राइट हैंड में आप विष्णु मुद्रा लगा सकते हैं या आप ये दो फिंगर यूज करें। ये टॉपिक करने से शोल्डर पीछे छोड़े, आप हिप्स के नीचे कुछ लेके बैठ सकते हैं या ब्लॉक ले लें, तो ऑटोमेटिक आपका स्पाइन लंबा हो। इस पर ही बैठा करेगा कि आप नई सेशन के लिए राइट हैंड थंब से राइट और स्ट्रिक नोज जो भी हाथ यूज करते निकल जो चलता है। नाउ रेडी, इनहेल लेफ्ट, 1, 2, 3, 4 होल्ड दोनों नोस्टिल बंद, श्वास छोड़े राइट से 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट से लें 1, 2, 3, 4 होल्ड रोके दोनों 1, 2, 3, 4, 5 लेफ्ट से छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेफ्ट से लें 1, 2, 3, 4 होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 राइट से छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट से लें 1, 2, 3, 4 होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 लेफ्ट से छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेफ्ट से लें 1, 2, 3, 4 होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 राइट छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट से लें 1, 2, 3, 4 होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 लेफ्ट छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेफ्ट से लें 1, 2, 3, 4 होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 राइट छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट से लें 1, 2, 3, 4 होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 लेफ्ट से छोड़ दें कंप्लीट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस पाइन को सीधे ही रखें। अभी 8 से 10 बार भ्रामरी बैठे रहेंगे राइट मेडिटेशन
और जो समय है हमारे पास, तो फिंगर से इसका लॉक रखें या इस वजह से कम कर पाओ। लेकिन आपकी स्पाइन सीधी हो, चेस्ट खुला हो, चेस्ट दबले नहीं, इसका ध्यान रखें। सही से भी हर बार श्वास लेंगे तो छोड़ेंगे Inhale, watch your hips. Exhale, hips relax. Inhale, watch your thigh. Exhale, thigh relax. Inhale, watch your calf muscle. Exhale, calf muscle relax. Inhale, watch your finger. Exhale, finger relax. Inhale, watch your palms. Exhale, palms relax. Inhale, watch your forearm. Exhale, forearms relax. Inhale, watch your shoulder. Exhale, shoulder relax. Inhale, watch your face. Exhale, facial muscle relax. Use your eye. Use your forehead. आपका शरीर मन एक साथ आप अपनी ब्रीदिंग को Om Sahana Om Sahana Bhunaktu
Thank you very much, Guru Neeraj ji, for this wonderful session. Over to you, Sachin sir. Yes. So, any questions, please put your note to your chat box. Today's session was really very, very good, relaxing. I think if you can release this Bluetooth and I think he will be able to listen that. That will be much better. So if you can switch off the Bluetooth for some time. So the voice was not clear. I think in the last session, voice was coming low. Otherwise, in all the sessions, the voice was fine. Yes. Any other questions from anyone? Anybody, any questions, please? I think things were pretty clear. I think so. Today there is no questions. It was very, very relaxing, undoubtedly. Very, very relaxing, very, very good. Session was very good. And especially the breathing exercise was also very good. Are you able to hear Coach Rahul? Yes, undoubtedly, session was good, Dr. Guglani. Anybody has any doubts, please, you can put into the chat box right away. So, I have just one question. Once you do in Surya Namaskar, you do Bhujangasana. What is the right posture for that Bhujangasana? Because sometimes you feel lot of stress on your back. So, what is the exactly right posture of Bhujangasana while doing Surya Namaskar? Right posture, what do you have to do? जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं सूर्य नमस्कार में, तो आपकी आम पीठ के पास हथेली हो सबसे पहली बात। जब आप उठ रहे हो तो ध्यान क्या रखना है, बटक को लॉक रखना है, शोल्डर बैक, एल्बो इनसाइड, टेक ए डीप ब्रीथ। यानी हम अपने बैक से उठे, ज्यादातर लंबर स्पाइन और सर्वाइकल का यूज करें, हाथों का यूज ना करें, ये गलत हो गया। तब आपके हाथों में स्ट्रेंथ आएगा। भुजंगासन का मेन मतलब है आपके बैक में स्ट्रेंथ प्लस आपके लंग्स और हार्ट्स में ओपनिंग। जब हम ये करते हैं तो लंग्स और हार्ट को भी छोड़ दिया है अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। इंटरनल जो मसल होते हैं यहाँ के वो भी स्ट्रेंथन होते हैं।
जो ही हम हाथ फैला देते हैं तो सारे वेट हमारा हेड पर आ जाता है, तो भुजंग आसन का कोई मतलब नहीं रहता है। एक बार फिर से यहां से बस डे बाय डे आपकी ओपनिंग बढ़ेगी। क्लियर है? Yeah, I think yes, it was a big mystery solved. I think most of us, हम लोग अपने हाथों को स्ट्रेट रखते हैं जिसकी वजह से वो स्पाइन पे स्ट्रेस आता है बहुत ज्यादा। स्ट्रेस, हाथ स्ट्रेट रखेंगे तो बैक पर स्ट्रेंथ बढ़ जाए, आपको स्ट्रेस आएगा। दूसरी बात, जो हमारा जो भुजंग आसन का मेन मोटो है, आपका थाइमस ग्लैंड एक्टिव हो, आपकी उल्टी बढ़े, आपके लंग्स और हार्ट जो की एज के साथ उसके मसल में स्पाजम आता है वो ओपनिंग होगी ही नहीं। थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच ऑल द डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कोच राहुल। सो विल एंड अप सेशन टुडे, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार।